समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो है श्री गंगानगर के केसरी सियामपुर से, जहां बच्चों के बीच हुए विवाद के चलते गोलियां चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो घायल हो गए। जानकारी देते हुए केसरी सियामपुर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 13H में कल परविंदर सिंह पुत्र नगेंद्र सिंह खेत में छोटा थ्रेसर चला रहा था तथा जट सिख परिवार से 4-5 मजदूर काम कर रहे थे। थाना प्रभारी ने बताया कि किसी बात को लेकर इनका परविंदर सिंह से झगड़ा हो गया। झगड़े में मजदूर राजा सिंह ने परविंदर सिंह के सिर पर डंडा मार दिया, जिससे उसके खून आने लगा। परविंदर ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने परविंदर को चिकित्सालय भिजवाया। दूसरी तरफ भाई के साथ मारपीट का समाचार सुन परविंदर के भाई बंधु मजदूर की ढाणी में जा पहुंचे, जहां मजदूरों और इनके बीच जमकर मारपीट हुई। थाना प्रभारी ने बताया कि मारपीट को देख राजा सिंह का चाचा सुखदीप सिंह बीच बचाव करने आया तो परविंदर सिंह के साथियों ने उसको गोली मार दी। गोली लगने पर सुखदीप सिंह को चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि सुखदीप सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी 13H का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कल शाम को 7 बजे के आसपास की बात है, परविंदर सिंह जट सिख निवासी गणजातीय अपने खेत में थ्रेसर पे काम कर रहा था और उसके साथ राजा सिंह व उसके परिवार के 2-3 लोग मजदूरी पे थे और शाम के टाइम मालिक और मजदूर के बीच में आपस में बोलचाल होकर झगड़ा हुआ, जिसमें परविंदर के सिर में चोट आई है। परविंदर को हॉस्पिटल लेके आए और परविंदर ने अपने घर परिवार वालों को फ़ोन करके सूचना की जानकारी दी तो उन लोगों ने गुस्से में आके राजा सिंह वगैरह के घर जाके झगड़ा किया और राजा सिंह का चाचा जो सुखदीप सिंह है उस पर फायर किया, जिससे उसकी डेथ हो गई। तो इसमें एक ही डेथ है जी? हाँ। घायल कितने और सर? घायल परविंदर है और एक छोटी मोटी चोटे एक दो की हो गई। डेथ हो गया उसका क्या नाम, उनका क्या नाम है जी? सुखविंदर सिंह, सुखदीप सिंह, सुखदीप सिंह श्रॉफ जर्नेल सिंह। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.